हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एथलीट। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेस्ट पावर फूड्स के बारे में जिसको खाने से आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपकी स्टैमिना इंक्रीज हो जाएगा, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इन फूड्स को खाने से आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और जान लें 5 बेस्ट पावर फूड्स के बारे में। और हाँ, जो भी मैं आपको ये पावर फूड्स बताने वाला हूँ ये बिल्कुल लो कॉस्ट प्राइस वाले हैं, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जान लें इन बेस्ट पावर फूड्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। तो जो हमारा फर्स्ट पावर फूड है उसका नाम है कॉफी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है कॉफी। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये तो यार बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये कैसे हो सकती है पावर फूड, बट है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी बहुत बड़ी रनिंग की संस्था है जिसका नाम है जनरल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, उन्होंने एक रिसर्च करी थी 8 किलोमीटर्स के रनर से ऊपर। एंड उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने किया था जो भी उनके 8 किलोमीटर्स के रनर्स थे उनको रनिंग से 1 घंटे पहले कॉफ़ी पिलाई गई, कैफीन दिया गया, क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। तो उनको 1 घंटे पहले कॉफ़ी दी गई एंड उसके बाद उनकी रनिंग कराई गई। तो रनिंग में उनकी टाइमिंग क्या आई, जितना उनकी टाइमिंग पहले आती थी उससे 23 सेकंड कम उनकी टाइमिंग आई रनिंग से पहले कॉफ़ी पीने की वजह से। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, 23 सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है रनिंग में। तो इसलिए कॉफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फूड है। इसके कई बार रिसर्च किया गया है कॉफ़ी के ऊपर और हर बार ये सक्सेसफुल रहा है और बताया गया है कि कॉफ़ी एक सही में बहुत अच्छा पावरफुल फूड है। सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा पावर फूड है उसका नाम है तरबूज। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है तरबूज। आपको सुन के बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा कि यार ये तो बड़ा मतलब सस्ता फूड है, बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है हमें, बट मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि तरबूज के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा ने कर रखी है। और ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसने अपने इस रिसर्च में ये बताया था कि तरबूज के अंदर एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, जो हमारी टिश्यूज होती है, उसको रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ये किसी भी रनर के लिए बहुत ही बेस्ट पावरफुल फूड है, तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। सो दोस्तों, जो हमारा तीसरा पावर फूड है उसका नाम है मशरूम। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के ये भी बड़ा अजीब लगेगा कि यार मशरूम कैसे पावरफुल फूड हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, मशरूम पे भी एक बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है जो कि अरिजाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने की है। और उन्होंने इस रिसर्च में ये बताया है कि मशरूम आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से बूस्ट करता है। इसलिए किसी भी रनर के लिए मशरूम एक बहुत ही अच्छा पावर फूड हो सकता है। सो मशरूम को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और ये बहुत लो कॉस्ट में आपको मिल जाती है मार्केट में, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगी। सो दोस्तों, जो हमारा चौथा पावर फूड है उसका नाम है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी एक रिसर्च हो चुकी है जो कि अमेरिका की एसटी लोविस यूनिवर्सिटी ने कर रखी है। और उन्होंने ये बताया कि जिन धावकों ने चुकंदर को खाने के बाद 5 किलोमीटर की रनिंग करी है, उन्होंने सामान्य से 5% ज़्यादा स्पीड से रनिंग को ख़त्म किया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि चुकंदर कितना ज़्यादा मतलब हेल्पफुल फूड है। तो इसलिए किसी भी रनर के लिए चुकंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फूड है, तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। चुकंदर भी बहुत ही मतलब नॉर्मल कॉस्ट वाला एक फूड है, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी लोअर क्लास हो, चाहे कितने भी आप हायर क्लास हो, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो चुकंदर भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, जो हमारा पांचवा पावर फूड है उसका नाम है अखरोट। जी हाँ दोस्तों, अखरोट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फूड है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है जो कि की है द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन ने। और उन्होंने इस रिसर्च में ये बताया है कि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और दोस्तों, किसी भी रनर के लिए जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप अपनी डाइट में अखरोट को ज़रूर ऐड करें। अखरोट आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल फूड है अगर आप एक रनर हैं, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर आप ऐड करें। सो दोस्तों, ये थे 5 पावरफुल फूड्स एंड अगर आप इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो 110% इससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।